तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके ब्लॉग्स ऑफिशियल। मैं आपका अपना विकास कुमार आज फिर आप सावन सोमारी का ये पहला वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। सुबह का ताज़ा गुड मॉर्निंग। आज का दिन संडे है, संडे को हमेशा मंडे कमेंट बॉक्स लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार ही बातें करेंगे और कुछ नया चीज़ ही आपको बताऊंगा। हर बार की तरह मैं कुछ ना कुछ नया लेकर के आता हूं, जैसा कि देख सकते हैं मेरा पहला सावन का पहला ब्लॉग वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और एकदम ओरिजिनलिटी के साथ मैं आता हूँ, कोई बनावटी काम नहीं करता, जो है ओरिजिनल। ये देख सकते हैं जहाँ लोकेशन है, मैं पूरा शूट कर रहा हूँ, पूरा लोकेशन है वीडियो में। आपको पूरा अभी मैं आपको पूरा चीज़ दिखाऊँगा यहाँ पर। बहुत सारी आज की वीडियो में बहुत सारी बातें भी होंगी और साथ ही अगले वीडियो में और एक ब्लॉग वीडियो रहेगा जिसमें मैं पूरा आपको मतलब मंदिर में जा कर के भी दिखाऊंगा वहाँ का। आज का यहाँ पे शंकर घाट मंदिर में जहाँ पे पूरे भक्तगण आते हैं, वहाँ से भी कलश मतलब उसको उठा करके जाते हैं देवघर जहाँ जाया जाता है, कैलाश गुफा के लिए लोग निकलते हैं। जो भी बातें होंगी क्लैरिटी के साथ होगी, मैं सारी बातों को आप लोगों के बीच आपको सुनाऊँगा और वीडियो को आप लोग बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोगों को मैं बहुत कुछ दिखाना चाहूँगा। ये लोकेशन जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, ये देखिए सड़क, ये मतलब एक कॉलेज का एक रास्ता है, गली है जहाँ उसके जहाँ पे छठ, यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, इसके पीछे एक छठ घाट भी है जहाँ पर वीडियो मतलब बहुत हर साल वहाँ छठ का पूजा किया जाता है, वहाँ का भी पूरा वीडियो शूट करूँगा अभी मैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको जैसा बताता रहता हूँ कि आप अगर चाहें तो समय को बर्बाद भी कर सकते हैं, चाहे समय का यूज भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। कई लोग बहाने देते हैं, मतलब कई चीज़ों को अगर मैं शेयर करूं आपसे तो लोग बहाने देते हैं, खुद को बहाने देते हैं कि मैं कैसे करूं, मेरे पास इतना मेरे पास महंगा कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, तो मैं कैसे वीडियो शूट करूँ। खुद को बहाने दे करके मतलब हट जाते हैं, चीज़ों को अपने से दूर कर लेते हैं। अगर वीडियो बनाना भी चाहते हैं पर अपने आप को बहाने देते हैं, मेरे पास महंगा कैमरा नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा, कैसे वीडियो अपलोड करूंगा मैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप ये बातें बोल करके आप खुद को बहाने दे रहे हैं, बहाने देना बंद कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास क्या माइक नहीं है, मानता हूँ आपके पास हेडफोन होगा, हेडफोन के माइक से शूट कीजिए, उसमें भी आवाज़ अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास महंगा माइक रहेगा या महंगा स्मार्टफोन रहेगा तभी आप वीडियो शूट कर सकते हो। मैं बताना चाहूँगा आप लोग खुद को बहाने देना बंद कीजिए। देखिए कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि मैं खुद सेटअप लेकर चल रहा हूँ, ये मोबाइल के कैमरे मोबाइल का कैमरा से मेरा वीडियो शूट हो रहा है, मोबाइल का फ्रंट कैमरा से। ओप्पो A15s मेरा ये मोबाइल फ़ोन है, मैं इससे अपना ब्लॉग का सारा वीडियो शूट करता हूँ। जो भी होता है ओरिजिनलिटी के साथ आइए, लोग ओरिजिनलिटी देखना पसंद करते हैं। अपने आप को हाई फाई दिखाना बंद कीजिए, मिडिल क्लास फैमिली हाई फाई दिखाने के चक्कर में आपको अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। गरीब आदमी होता नहीं है, आदमी गरीब होता नहीं, आदमी अपने दिमाग से गरीब होता है, इस बात को ध्यान रखिए। बहुत बड़ी बातें कह रहा हूँ मैं आपसे, गरीब कोई नहीं होता, अपने दिमाग से लोग गरीब होते हैं। लोकेशन जैसे कि हर बार मैं कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर के आता हूँ, तो आज की वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी, मोटिवेट भी थोड़ा करूँगा आपको इस वीडियो से, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा भी बन रहा है। लेकिन जो है सच्चाई के साथ यूट्यूब में आइए, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रखिए, अपना बहाने देना बंद कर दीजिए, लोकेशन को भी इतना महत्व मत दीजिए। लोकेशन कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा हाई पर्पज़ का आपका लोकेशन रहेगा तभी आप अपने चैनल पे काम कर पाओगे, लोकेशन इतना मायने नहीं करता है। आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट कहने का मतलब होता है वीडियो में आपका मतलब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बोलने का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो में समझा क्या रहे हो ये ज़्यादा मायने करता है। ब्लॉगिंग वीडियो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल में जाओगे, बहुत दूर जाकर शूट करोगे, उसके लिए खर्चा करोगे तभी ब्लॉग वीडियो बनेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास लोकल भी जा सकते हो, अच्छा कोई प्लेस देख लीजिए, कोई मंदिर देख लीजिए, कोई कुछ नया बन रहा है उस चीज़ को अपने वीडियो में इंक्लूड कीजिए। कंस्ट्रक्शन का काम चलो वहाँ जाइए, वहाँ जाके कुछ बताइए, वहाँ जाके भी आप अपना ब्लॉग वीडियो शूट करते हो। कोई ज़रूरी है कि आप बहुत हाई लेवल बड़े जगह में जाओगे तभी आपका ब्लॉग वीडियो शूट होगा। लोकेशन जहाँ देख सकते हैं मैं अभी मैं आया हूँ, ये जहाँ पे छठ घाट होता है, छठ पूजा होता है, इस लोकेशन में भी आया हुआ हूँ यहाँ पे मैं।
यहाँ हर साल छठ होता है इस लोकेशन में। ये पीछे का पानी का पूरा लोकेशन देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ निकला, सुबह निकला था, सोचा कि मैं एक वीडियो शूट कर लूँ क्योंकि मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक, अभी मैं आपको पहले ही बताया कुछ देर पहले कि चाहे तो आप समय को फालतू चीज़ों में व्यर्थ भी कर सकते हैं, चाहे तो उस चीज़ का यूज भी कर सकते हैं। इसलिए खुद को कभी भी चीज़ों का मतलब कहते हैं ना, चीज़ें को मोहताज मत बनाइए कि वो चीज़ें होंगी तभी मैं काम कर पाऊँगा। स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्टअप आपका, अगर स्टार्टअप सही है, सही तरीके से अगर आप आए हैं यूट्यूब पे, जेन्युइन तरीके से आए हैं, अगर आपको डेली अगर काम करना है तो करना होगा और नियम से करना होगा और खुद को खुद से मोटिवेट करना होगा, तभी आप आगे यूट्यूब पे मतलब कंटिन्यू काम कर पाओगे। ऐसा नहीं कि दो चार वीडियो आप लोगों ने डाल दिए, देखा व्यूज़ नहीं आ रहा है तो बनाना, वीडियो बनाना बंद कर दी, ऐसा नहीं, ये गलत है। आप कभी भी खुद को टारगेट मत दीजिए कि मैं इतना वीडियो पे काम करूँगा, अगर वीडियो अगर अच्छा रहा तभी मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो वीडियो मैं बनाना बंद कर दूँगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। देखिए ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है ये, मैं पूरे ग्राउंड पर शूट हो रहा है सारा, ये पूरा ब्लॉग वीडियो जो है मोबाइल के कैमरे से हो रहा है। कोई मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं ट्रैपोड या गैम्बल लेके शूट कर रहा हूँ, मोबाइल ये हाथ से हैंडलिंग कर रहा हूँ पूरा, आप देख सकते हो पूरा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मेरे पास हाई लेवल का रहेगा अरेंजमेंट रहेगा तभी मैं वीडियो शूट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चैनल में अधिकतर वीडियो जो पड़े हुए हैं जो ब्लॉगिंग चैनल में, सारे मोबाइल फ़ोन्स के शूट हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने DSLR कैमरा से कोई शूट किया हुआ है, सारे मोबाइल के कैमरे से शूट हुए हैं। स्टार्टअप बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में आपको काम कैसे करना है ये भी बातें हैं कि स्टार्टिंग में आपको काम कैसे करना है, किस कैटेगरी पे काम करना है। आप खुद में पहले ढूंढिए कि आपको किस कैटेगरी में दिलचस्पी है, या आप उस कंटेंट को मतलब उस कैटेगरी जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो कैसे समझा सकते हो लोगों को। आपको ये देखना कि आप अगर आप किस मतलब कॉमेडी वाले में आप दिखा सकते हो कि आप मैं खुद को साबित कर सकते हो कि मैं कॉमेडी अच्छा कर सकता हूँ, क्या टेक्निकल अच्छा बता सकता हूँ, टेक्निकल नॉलेज लोगों को दे सकता हूँ, एंटरटेनमेंट आप करा सकते हो। एंटरटेनमेंट में भी कई प्रकार के होते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, कहीं शो में गए हैं तो वहाँ पे चुटकुले सुना रहे हैं, मस्त शायरियाँ सुना रहे हैं, तो वो भी एंटरटेनमेंट में आ गया। कॉमेडी में क्या हो गया, लोगों को हंसाना, वो भी एक कैटेगरी हो गया। तो उस बेस पे भी काम करना है। स्टार्टिंगली आपका पहले आप नीच सुनना कि आप किस मतलब नीच से काम कर रहे हो। नीच कहने मतलब कैटेगरी वाइज हो गया, कैटेगरी सही होना चाहिए आपका। कैटेगरी पहले तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यूट्यूब में आपको मैं अपने स्क्रीन के साइड पे दिखाऊंगा कि कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं, है ना, तो उस चीज़ को भी अपने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितने कैटेगरीज हैं आप इन कैटेगरीज पे अपना चैनल बना सकते हो। तो इस चीज़ पर अभी आपको ध्यान देना है। कई बातें होती हैं जो मतलब नए क्रिएटर्स को पता नहीं होता, स्टार्टिंग में गलतियाँ कर जाते हैं। खुद से खुद की वीडियो को देखना ये भी गलत है। खुद से खुद को वॉच मत कीजिए, अपना वीडियो खुद मत देखिए। ये आपने लोगों के लिए बनाया, लोगों को देखने दीजिए। आप अपना वीडियो खुद देखेंगे तो इनवैलिड क्लिक होगा तो आपका बाद में उस चैनल को मोनेटाइज भी नहीं होगा, चैनल को आपका डिसेबल किया जाए, डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा चैनल को, तो कोई मतलब नहीं। अगर आप इतनी ध्यान रखिए, अगर आपका यूट्यूब चैनल अगर आपके चैनल को मोनेटाइज कर सकता है तो डीमोनेटाइज भी कर सकता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और कंटिन्यू मेहनत करना है। और अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर उस चीज़ को फॉलो कीजिए। जैसा कि जानते हैं मेरे इसके अलावा एक और चैनल है, विकास कुमार ऑफिशियल, VK का एंटरटेनमेंट का चैनल है, तो मैं दोनों को कंटिन्यू करता हूँ, इसको भी चला रहा हूँ इस चैनल के साथ में, उसको भी हैंडलिंग करता हूँ, दोनों करता हूँ। तो यही चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी खुद को बहाने मत दीजिए, अगर आप बहाने देने लग जाएंगे तो काम आपका हो नहीं पाएगा। और ब्लॉग वीडियो में देखिए, ब्लॉग वीडियो में क्या लोग कहते हैं कि मैं क्या बोलूँगा, कितना देर बोलूँगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद मैं कैसे करूँगा। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है तो आप घर में हो तो घर का अपना चीज़ों को सेटअप दिखा सकते हो, घर का स्टार्टिंग दिखा सकते हो, ये है घर मेरा, यहाँ पे ऐसे मेरा, ये मेरा रूटीन है। बच्चों को अपने ब्लॉग वीडियो में इंक्लूड कीजिए, है ना, कि बच्चे छोटे बच्चों को अपने साथ रख लीजिए, साथ में रहेंगे तो उनसे बातें करेंगे तो वीडियो आपको बोरियत नहीं लगेगी, लोग भी देखेंगे कि हाँ साथ में कोई है, तो दिमाग में थोड़ा सा क्या है कि बिजी हो जाएगा आपका दिमाग उस जगह पे, तो वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा भी बन जाएगा, आपको ये नहीं लगेगा, बोरियत नहीं लगेगी। और काम को ऐसा नहीं, प्रेशर पे लेके मत काम कीजिए अपने
चैनल पे। काम को प्रेशर पे लेके मत कीजिए, उस काम को आप मन लगा मन से कीजिए, दिल से उस काम कीजिए। जैसे कई लोगों को ये रहता है कि प्रेशर रहता है कि नहीं मुझे डेली एक वीडियो अपलोड करना है, तो एकदम प्रेशर पे काम करते हैं। तो प्रेशर पे काम मत कीजिए, आप मन से काम कीजिए, कंटेंट उठाइए, टाइटल पे फोकस कीजिए। स्टार्टिंग में आपको टाइटल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आप अपने मन से वीडियो बनाइएगा तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जाने, कोई नहीं समझता इस चीज़ को, क्योंकि ये आपने बनाई है, आपका कंटेंट है। आप अभी स्टार्टिंग चैनल है तो आपको अगर चैनल ग्रो कराना है तो टाइटल पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा कि किस टाइटल पे लोग वीडियो सर्च कर रहे हैं, उस टाइटल पे आपको वीडियो बनाना है, तब लोग आपका वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपको अगर ग्रो करना है अपने चैनल पे तो टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन पे स्पेशली फोकस करना है। SEO जो होता है उसमें SEO जो होता है वो आपको कंप्लीट अच्छा तरीके से करना है। उसका मतलब मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा। उसका मतलब ये होता है कि जो आपने टाइटल में जो यूज किया हुआ है वो ही आपको डिस्क्रिप्शन में यूज करना पड़ता है। अगर आपने लिखा है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube, है ना, तो उसी को आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करना रहता है, कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। मतलब उसमें और डिस्क्रिप्शन में सेम चीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइटल में कुछ और लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में और कुछ लिखा हुआ, ऐसा नहीं, दोनों सेम लिखा होना चाहिए ताकि अगर लोग YouTube पे अगर सर्च करें तो आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आ सके। तो इसका भी इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर नया चैनल पे आपको ग्रो करना है तो कैटेगरी आप को पहले तो रिसर्च कीजिए कि आप मतलब आपका जो कंटेंट है किस बेस पे चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस पे काम कीजिए। YouTube में एक और होता है, मैं साइट पे उसी स्क्रीन में दिखा सकता हूँ अपने चैनल पे, कि टर्म उसमें रहता है कि YouTube टर्म्स में क्या क्या सर्च किया जा रहा है आपके चैनल पे, क्या क्या आप देख सकते हैं कि टर्म्स वाले में क्या सर्च किया जा रहा है। YouTube टर्म्स होता है उसमें, उसमें यह रहता है कि किस कंटेंट को लोग सर्च कर रहे हैं अपने आपके चैनल पे, किस मतलब के कीवर्ड का आपका सर्च किया जा रहा है। तो उस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है कि यह है तो उसको आपको अपने टैग्स में डालने हैं, डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड करना है, टाइटल में मतलब टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में उन तीनों टैग्स को आपको यूज करना है। अगर इस बात को आपको ध्यान देना है तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। और एक मैं बताया कि मैं आज मंदिर भी जाऊँगा तो उसका भी ब्लॉग वीडियो में पूरा शूट करूँगा। और मैं बता चुका हूँ कि पहले अपने वीडियो अपलोड करने से पहले गधों की तरह मेहनत मत कीजिए, वीडियो टाइटल पे काम कीजिए, रिसर्च करके वीडियो बनाइए, जो रैंक कर रहा है बड़े चैनल को फॉलो कीजिए, जो रैंक कर रहा है उस चैनल पे काम कीजिए, तब आपका चैनल आगे ग्रो करेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो गधों की तरह मेहनत करोगे तो 10 साल भी दे दोगे तो कुछ नहीं होगा। दिमाग कहते हैं उदाहरण, अगर कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है, तो वही तरीका यहाँ भी काम करता है। आपको तरीका अपना बदलना होगा काम करने का, चीज़ें वहीं रहेंगी बस तरीका बदल दीजिए, प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए। कहते हैं ना कि आप बहुत महंगा चीज़ों का यूज नहीं, बहाने नहीं देना है कि मेरे पास ना महंगा कैमरा नहीं है, DSLR नहीं है, माइक नहीं है, लाइटिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मोबाइल से शूट कीजिए ना, शुरुआत तो कीजिए, चीज़ें करते करते ही आती हैं। स्टार्टिंग में कोई भी आदमी सीख के कहीं से नहीं आता है, जितने यूट्यूबर आज आप देख रहे हो तो कोई सीख करके नहीं आया होता है, काम करते करते लोग सीखते हैं नॉलेज। आप मैं क्या आपको वीडियो का ऑलरेडी पहले से थोड़ी मैं भी सीख करके ही आपको आपके बीच बातों को शेयर कर रहा हूँ मैं, तो वही चीज़ है, आपको खुद पे पहले रिसर्च करना होगा। मेरे को पता रहता है कि कल क्या वीडियो अपलोड करना, तो उसके लिए पहले से तैयारी करता हूँ मैं, टाइटल पहले से डिसाइड करता हूँ, तब मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर पाता हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि कंटेंट आपको स्पेशली कंटेंट फोकस करना है, जो भी कंटेंट दीजिए बढ़िया कंटेंट दीजिए और यूनिक होना चाहिए, सर्चेबल होना चाहिए, जिसको ऑडियंस सर्च कर रही हो, क्योंकि सर्च रैंक पर रहेगा तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। तो मेरे को आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है VK Vlogs Official। मैं विकास कुमार बहुत जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।